हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल राइट। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन प्लान 3 ऑफ ब्लॉक 10, राइटिंग इन द पास्ट टेंस। यू विल बी एबल टू यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस अप्रोप्रिएटली इन अ सेंटेंस। आप एक सेंटेंस में सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस को अप्रोप्रिएटली यूज़ कर पाएंगे। सो वट आर द सम एक्शंस दैट यू आर डूइंग एट दिस टाइम यस्टरडे। ऐसे कौन से काम हैं जो आप इस टाइम कल कर रहे थे। And imagine your actions being interrupted by a loud beating of drums। और आप imagine कीजिए कि आप जो भी काम कर रहे थे, drum बज रहा था बहुत तेज़ी से और उससे आपका action interrupt हो गया। And now how will you describe what you were doing? I was reading a book when I heard a loud beating of drums। Like I was reading a book when I heard a loud beating of drums। कि जब मैं बुक रीड कर रहा था तो मैंने तेज़ तेज़ ड्रम की आवाज़ सुनी। सो इंटरप्ट कौन सा एक्शन हुआ, बुक रीडिंग वाला। आई वॉज वॉकिंग इन द कॉरिडोर व्हेन आई सो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बीटिंग ड्रम्स। कि जब मैंने देखा बच्चे ड्रम बीट कर रहे थे तो मैं कॉरिडोर में उस टाइम वॉक कर रहा था। आई वॉज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड व्हेन टू टीचर्स केम बीटिंग ड्रम्स। कि जब टीचर्स ग्राउंड में ड्रम बीट करते हुए आए तो मैं खेल रहा था। सो इन दिस सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हैज़ बीन यूज्ड लाइक वॉज रीडिंग, वॉज वॉकिंग, वॉज प्लेइंग टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम व्हेन अनदर एक्शन हैपेंड। इसमें ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब किया गया है कि जब हम दूसरा काम कर रहे थे तो उस टाइम एक और काम वहाँ पे चल रहा था। द सेकेंड एक्शन इज गिवन इन द सिंपल पास्ट लाइक हर्ड, सो, केम। टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज़ पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस टुगेदर इन अ सेंटेंस। आज हम सीखेंगे कि दोनों के दोनों टेंसेस को कैसे एक साथ हम एक ही सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। सो You have to write a sentence to describe an action that a character in your story did using the simple past tense। आपको एक sentence लिखना है जो आपके character ने किया आपकी story में past tense को use करके, I mean second form को use करके। Write another sentence adding some other action that the character completed before doing that action in the simple past। फिर आपको एक और sentence लिखना है, उसमें आपको describe करना है कि वो वाला काम करने से पहले action ने character ने कोई और वर्क किया हो। And use the words before and after and to put the two events in the right sequence। For example, the priest chanted a prayer, the priest had put a garland around the idol before he chanted a prayer। मतलब पुजारी ने prayer करने से पहले मूर्ति के गले में माला पहनाई। तो पहले कौन सा काम हुआ था, माला पहनाने वाला। सो यहाँ पे past perfect use होगा had put, put की third form put। So again I'm telling the priest had put a garland around the idol before he chanted a prayer। So before के बाद chanted second form है यहाँ। So what are some sentences that we can write? Some of the sentences that we can write are the farmer plodded the field, the farmer had brought the bullocks before he plowed the field। कि farmer ने field को plow करने से पहले ब्लॉक्स खरीद लिए थे। तो पहले कौन सा काम हुआ था, ब्लॉक खरीदने वाला, तो हैड ब्रॉट। किंग अशोका अडॉप्टेड बुद्धिस्ट वैल्यूज, ये सेकंड फॉर्म में अडॉप्टेड पास्ट टेंस है। बिफोर किंग अशोका अडॉप्टेड बुद्धिस्ट वैल्यू ही हैड फॉस्ट न्यूमरस वॉर्स। सो अब यहाँ पे देखिए जो पहले काम हुआ था उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी पास्ट परफेक्ट। सो बुद्धिस्ट वैल्यूज अडॉप्ट करने से पहले उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो लड़ाइयाँ लड़ने वाला काम पहले हुआ था, तो हैड फॉट। द गर्ल हर्ड द लाउड क्राइज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, सेकेंड फॉर्म में ये। आफ्टर द गर्ल हैड हर्ड द लाउड क्राइज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स शी रेन आउट टू जॉइन दैम। सो हाउ डू वी यूज सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टुगेदर इन अ सेंटेंस। वी फॉर्म द पास्ट परफेक्ट टेंस बाई यूजिंग हैड बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अ वर्ब एंड व्हेन टू इवेंट्स हैपन बिफोर एंड आफ्टर ईच अदर। जब दो काम होते हैं या तो एक पहले होता है या एक बाद में होता है। सो वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस और एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर द सिंपल पास्ट फॉर एन एक्शन दैट हैड हैपेंड आफ्टर द अर्लियर एक्शन। फॉर एग्जांपल द फार्मर हैड ब्रॉट द बुलॉक कार्ट्स बिफोर ही प्लॉट द फील्ड।
यहाँ पे काम पहले हुआ है बुलॉक खरीदने का, तो हैड ब्रॉट सिंस द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग बुलॉक्स हैड हैपेंड बिफोर प्लॉइंग. पास्ट टेंस हैड ब्रॉट इज यूज फॉर द सेकेंड एक्शन. द सिंपल पास्ट टेंस थर्ड इज यूज बिफोर एंड आफ्टर टेल्स अस द टाइम एन एक्शन इज हैपनिंग. बिफोर में हमें पता चलता है काम पहले हुआ है, आफ्टर में पता चलता है बाद में हुआ है. दे कैन हेल्प अस डिसाइड वेयर इन द सेंटेंस टू यूज सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट. सो कैन यू डिस्क्राइब अ फ्यू थिंग्स यू डिड यस्टरडे मॉर्निंग. क्या आप कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं जो आपने कल सुबह की थी यूजिंग ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ द पास्ट टेंस. वी मे सी आई वॉक अप एट 8:30 इन द मॉर्निंग. ये सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है वॉक. आफ्टर आई हैड ब्रेकफास्ट आई वेंट टू पार्क. ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पार्क गया. व्हाइल आई वॉज वॉकिंग इन टू पार्क आई सो फ्यू गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल. सो टेक आउट योर अस्थि एट पेज नंबर 47. Writing in the past tense, complete the sentences appropriately using the past continuous and simple past tense of the verb in brackets. The gardener dashed the plants when a honeybee dashed him. Bracket में bite दिया हुआ है या water दिया हुआ है. So यहाँ पर आएगा the gardener was watering the plants. So पौधों को पानी दे रहा था gardener जब honeybee ने उसे क्या किया bite की second form bit. Grandmother dash bracket में scream as Ishwar Chandra dash. ब्रैकेट में एंटर. ग्रैंडमा वो स्क्रीमिंग एज ईश्वर चंद एंटर्ड. द गर्ल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो वाइल द बॉय स्टूड इन अ बिग सर्कल. स्टैंड की सेकेंड फॉर्म स्टूड. द पॉटर वॉज पेंटिंग द पॉट्स व्हेन अ ट्रेडर एंटर्ड द वर्कशॉप. सो नाउ रीड द टाइम टेबल्स, राइट अ सेंटेंस फॉर ईच using the past perfect and before or after to describe both events. 7:15 AM पे बात किया है, 7:30 AM पे breakfast हुआ है. So I had taken bath before I ate breakfast. Breakfast करने से पहले नहा लिए थे. So had taken bath. B 7 PM पे cooking की है, 8 PM पे TV देखा है. So I had cooked before I watched TV. I had cleaned the room before I ironed the clothes, or you can write after I had ironed the clothes, I watched TV. I had slept for an hour before I started reading a book, or you can write after I had slept for an hour, I started reading a book. Now you have to write a summary of few events from the story that you mapped in S1 using all three forms of the past tense. Like Rukmani was filling water in the pots when something fell in the river with a thud. She dived into the river and came out with an arrow marked with a royal symbol. Before she could think further, a soldier came running towards her. He praised her for the agility and took the arrow from her.